बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ और स्टॉक के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, जिनकी रिक्वेस्ट ऑब्वियसली चली आ रही है सोशल मीडिया में भी, स्पेशली जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी, और काफ़ी क्वेरीज जो थी टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से वो मुझे कमेंट्स में भी आई हैं। मुझे पता है उनका नाम याद नहीं है, एयरलिंक का भी मेरे इसमें है, आप बेफिक्र हो जाए, पेशेंस रखें इंशाल्लाह, तो उसका भी एयरलिंक का भी आने वाले दिनों में करूंगा। तब तक आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने एयरलिंक की जो है रिक्वेस्ट की है। तो अभी तो एयरलिंक देखें ना, 32-20 पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ता है तो वापस ये रिवर्स आना शुरू हो जाएगा, 28 फिर 26 इस तरह वापस नीचे आ सकता है। अगर 32 को मेंटेन करता है तो फिर ये आगे आने दिनों में आगे जा सकता है। ये मैंने थोड़ा स्पेशली जो रिक्वेस्ट कर रहे थे 2-3 दफा की एयरलिंक की, काफी मुझे आई है तो मैं अभी इसको बता रहा हूँ, लेकिन अभी इसका जो है एनालाइज मैं अगेन जो है करके इंशाल्लाह शेयर जरूर करूंगा। अच्छा, इस वक्त जाहिर सी बात है जो क्यू में थे पहले उनको मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि वो उनको उन स्टॉक का एनालाइज करूँ जिनकी काफी पहले से रिक्वेस्ट आई हुई थी मेरे पास। लोग ये समझ रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये आप आबिद भाई जो है उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो अभी जो स्टॉक में जो शुरू से करता चाह रहा हूँ, उनकी बहुत पहले से रिक्वेस्ट आई हुई थी, तकरीबन महीना भर हो गया, किसी को 15 दिन हो गए, तो वो अब मैं कर रहा हूँ। तो जिन्होंने अभी रिक्वेस्ट की है कमेंट में, तो उनके लिए मेरी दरखास्त है थोड़ा सबर करें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनको भी इसकी वीडियो नजर आ जाएगी। अच्छा, फिर अभी आज मैंने स्टॉक लिया है ISL इंटरनेशनल स्टील, तो इसको चूज किया, इसकी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, और इसका अगर हम देखें तो इसकी डिविडेंड हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। यहाँ से देखें, ये डिविडेंड अच्छा खासा दे रहा है, यहाँ पे 70% दिया डिविडेंड, फिर 20%, फिर 45%, फिर 30%, अभी इसने 25% डिविडेंड दिया था। तो जैसा आपको मालूम है, मैंने पहले भी वीडियो शेयर की थी दूसरे स्टॉक की, तो मैंने मंथली लिया था साथ साथ, तो अभी मैं मंथली से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मंथ एंड है, जब ये वीडियो रिलीज होगी तो दूसरे दिन मंथ एंड होगा, 29 को जो है मंडे है, 30th को ट्यूजडे आ जाएगा, तो ये मैंने स्पेशली ले लिया है ऑन द सेफ साइड, ताकि आपको पता भी चल जाए कि इस वक्त सिनेरियो क्या नजर आ रहा है। तो ISL का भी देखें, बहुत अच्छा वॉल्यूम, बहुत अच्छा हुआ 17 मिलियन का एस कंपेयर टू लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में खाली 5.65 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट होता है, इस मंथ में देखें तो 17.18 मिलियन का जो है तकरीबन समझे इसमें वॉल्यूम जो है जनरेट हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखें, मैं इसको जरा अब ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे इस वेरी मतलब बहुत ही अगर अपर साइड पे ना 51.91 या 52 पे हम यहाँ रेजिस्टेंस हमने विटनेस की थी कई दफा, जो कि इसकी ये वाली बेरिश कैंडल ले रहा हूँ, ये वाली इसकी नेकलाइन सपोर्ट, ये ठीक है जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया था, अब ये वापिस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, तो 51.78 और 52 समझ लें राउंड फिगर में, तो ये एक अभी इनिशियली अच्छा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसको इसने भी ब्रेक किया है, लेकिन अगेन मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि यहाँ कोई डोजीज बनना शुरू हो जाए और यहाँ सपोर्ट लेके अगेन कोई बुलिश कैंडल बनती है, तो नेक्स्ट कैंडल पे आप या उसी कैंडल पे आप देखें, अगर क्लोजिंग आ रही है इसके ऊपर इसकी जो, बल्कि आप सेफ साइड पे ये वाली कैंडल जो है इसकी ओपनिंग ले लेते हैं जो इस वक्त, बल्कि ये हम इसका विक ले लेते हैं ये वाली, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए वीक भी बनी है, ठीक है, तो ये वाला हम लेवल ले लेते हैं, इसको हम ये रेड कलर इसको दे दिया है, ये रेड कलर की लाइन मैंने बना दी है यहाँ पे, और ये सपोर्ट है इनिशियल सपोर्ट जो यहाँ पे नजर आ रही है, जो इसकी नेक लाइन सपोर्ट है और इसकी वीक है, तो ये मैंने थोड़ा टू बी ऑन द सेफ साइड, तो अगर ये देखें तो क्लोजिंग अगर इसके ऊपर जा रही है, अब देखें वीक में कि 3-4 दिन इसको मेंटेन कर रहा है 57 रुपए को, जा रहा है ऊपर 58 रुपए आ रहा है 57.33, या इसको मेंटेन कर रहा है 54, इसको भी मैं बना यहाँ पे जो है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये लाइन जो है तो यहाँ के मेंटेन कर रहा हो यार, यहाँ पे रिजेक्शन आप विटनेस करो, रिजेक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, रिजेक्शन देखें ये रिजेक्शन कहलाती है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस थी, ये इसका ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, इसके बाद इसकी कंफर्मेशन, ये हमेशा याद रखने टेक्निकल में थोड़ा पेशेंटली काम करना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस वक्त जो है ये रिजेक्शन आ रही है, यहाँ पर भी देखें ये वो एरिया था, यहाँ पे भी रिजेक्शन देख रहे थे, लेकिन ये ब्रेकआउट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, इसी तरह ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे रिजेक्शन देख सकते, तो यहाँ पे तो देखें अभी क्लोजिंग आई है 54.73 था, तो 54.58 पे क्लोजिंग आई इसी एरिया के अराउंड अगर हम देखें, तो ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ पे जो है
बाय कर सकते हैं, कौन सा एरिया 52 का, यहाँ से आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। जैसे ना मैंने आपको भी पहले बताया है वीडियो के आगाज में ही कि ये डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है। इसका सबसे लो देखें अभी इस वक्त तो इस वीक देखें ना, ये वीक ले लें आप 29, वैसे तो इसने लो किया है अभी 27 का, 2747, और ये लो किया था 1st of July 2019। तो इस हिसाब से भी देखें तो इसने बहुत अच्छी रैली बनाई, ये तकरीबन इसने बनाई यहाँ पर, इसको हम ले लें तीनों वीक को ले लें तो ये 101.28 रुपए, ये इसका जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके ऊपर कोई अगर कैंडल बनती है तो फिर अगेन जो है ये वाला लेवल रिटेस्ट हो सकता है 161 रुपए का भी, क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा मंथली पे जो जिस तरह मैंने ऑटो सेक्टर में स्पेशली पार्क सुजुकी और साजगार का मैंने शेयर किया, तो यहाँ पे भी हम इस पे हायर टाइम फ्रेम पे 50 MA प्लॉट करके देख लेंगे। तो देखिए 50 MA, ये 50 MA से पहले यहाँ रिजेक्शन आ गई, ठीक है ना, ये यहाँ पे इसने रिजेक्शन दे दी, ये इसकी नेक लाइन, ये जो बुलिश कैंडल बनी थी 1st of August 2022, और इसके बाद जो है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, बल्कि रिटेस्ट भी नहीं किया था, ये अभी इस महीने रिटेस्ट हुआ है, अक्टूबर के महीने में इसने इसको रिटेस्ट किया, लेकिन अगेन रिजेक्शन आई है 60.62 रुपीज के अराउंड। ठीक है ना, ये इसका हाई था लेवल इस महीने का, और काफी कोशिश की लेकिन रिजेक्शन, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जिन्होंने 36 पे 40 पे जिन्होंने लिए थे उनको अच्छा खासा गेन भी यहाँ मिल रहा था, 50% तक भी गेन मिल रहा था, अब 50% भी मिला है, तो ये यहाँ पे ये प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की जा रही है। मुझे तो ये लगता है कि ये स्टॉक जो है नीचे पे बाय करना चाहिए, ये बाय लेविंग देखें, स्टार्ट एक्यूमुलेशन 52 इज द गुड लेवल, गुड प्राइस फॉर एक्यूमुलेशन, यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये अगेन ये वाला लेवल है 48, ठीक है, मैं ये बाय के लेवल बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चंक्स में आप बाय कर सकते हैं, ये के लेवल है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये मैंने ग्रीन लाइन बना दी इधर, और ये लेवल, ये एरिया जो है ये भी बाइंग एरिया 4477, तो ये बाइंग एरिया है। ठीक है, ये मैं इन्वेस्टर ट्रेडर सबके लिए बता रहा हूँ, ट्रेडर जो है स्पेशली कहीं भी ट्रेड ले इन लेवल्स पे तो स्टॉप लॉस जरूर दें, और इन्वेस्टर जो है वो चंक्स में रैशनली यहाँ पे है बाय करते रहें, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा स्टॉक है ये, आप इसको ले सकते हैं। तो अपसाइड पे जिस तरह मैंने बताया, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है जहाँ पे MA 20 62 या 63 से बदले टू बी ऑन द सेफ साइड, जहाँ से हम रिजेक्शन देखते हुए आए हैं, तो ये इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग से मुराद अच्छी बड़ी कैंडल बनती है, तो इसके बाद जो करेक्शन आती है उसमें आप इसको जरूर एक्यूमुलेट करें विद स्टॉप लॉस, ये मैं ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से ये हाई वॉलीटाइल हो जाएगा, फिर ये फिर अगेन जो है ये आपको मैंने बताया कि 101 जो है ये एक्सपोज हो जाएगा, या 102 रुपया, 101.79 102 रुपया, बल्कि अब अगर हम ये यहाँ की नेक लाइन भी ले लें 97 से लेके 102 तक, ठीक है ना, ये मैं इसकी नेक लाइन ले लेता हूँ, ये इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, 97.31 से लेके 102 तक समझ लें, यहाँ पे इस पे जो है हम इसको देख सकते हैं टारगेट हिट हो सकता है, ये हमारा टारगेट प्राइस होगा अगर ये 60 का लेवल 63 का लेवल मेंटेन कर लेता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टारगेट, ये टारगेट होगा हमारा। ठीक है, अच्छा RSI मैंने बता दिया आपको, दोबारा बता देता हूँ, RSI 50 पर है, मतलब समझे थोड़ा सा हल्का सा ओवरबॉट है, नीचे करेक्शन आ सकती है, करेक्शन समझे ड्यू है, ओवरऑल ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैंने अभी आपको वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, मंथली रिव्यू वीकली रिव्यू दोनों साथ शेयर कर दिया, उसमें भी KSE इंडेक्स में भी थोड़ा करेक्शन ड्यू है। वीकली पे आ जाए, थोड़ा सा वीकली पे नजर डाल लेते हैं, देखें वीकली पे आपको देखें पिक्चर क्लियर नजर आएगी, यहाँ से मैंने आपको जैसे बताया था करेक्शन ड्यू, इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट टेकिंग हुई है इसी स्टॉक में, और देखें ये इसी का
नेक लाइन सपोर्ट जो है 5178 या 52 रुपीज, यहाँ पे टू बी ऑन द सेफ साइड या राउंड फिगर में 52 रुपीज का एक लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर इसके बाद 48 44, तो यहाँ से आप इसको बाय करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। देखना अगर ये मैं टेक्निकली बता रहा हूँ कि अगर ये बुलिश कैंडल है, तीन बुलिश कैंडल जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं थ्री व्हाइट सोल्जर्स, ये कभी चार भी बन जाते हैं, तो इसके बाद कोई बुलिश कैंडल या डोजी बनना फॉर्म होते हैं तो अपर साइड पे बाय ना करें, थोड़ा केयरफुल होके काम करें। देखें इसके ऊपर कोई अगर कैंडल बनती है उसको निगेट करता है उस डोजी को, तो फिर आप उसमें बाय करें। तो अभी इस वक्त तो देखें इस कैंडल को इसने निगेट किया हल्का सा, तो हो सकता है इन लेवल्स पे आगे कहीं ना कहीं सपोर्ट हमें मिल सकती है। तो अभी फिलहाल वेट करें करेक्शन का, ये बाय करें इन्वेस्टर एंड ट्रेडर बोथ, तो दोनों के लिए ये मशवरा है कि वो जो है वो वेट करें। अब यहाँ देखें एम ए 50 यहाँ पे वीकली पे आ रहा है। देखिए मैं जैसे पहले मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना के बताई, फिर मैंने एम ए 50 किया, फिर वीकली पे आया, तो वीकली पे देखें एम ए 50 पे जो सिंक्रोनाइजेशन देखें इसकी मूविंग एवरेज की और प्राइस एक्शन की, तो देखें एम ए 50 पे आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा लेवल है 44, अगर आता है इनकेस तो बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे आपको बाय करके होल्ड कर लेना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत अच्छा है। दोबारा चांस देखें, काफी दफा चांस देता है, यहाँ से ऊपर जाता है फिर ये इसी लेवल पे आता है, यहाँ पे अपसाइड पे गया, यहाँ पे कई दफा एक्यूमुलेट हुआ 42 44 कई दफा आया है, तो 42 44 का लेवल ये इट्स गुड फॉर एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन करें और थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। और वीकली पे देख लेते हैं, चले वीकली पे वॉल्यूम थोड़े से डिक्रीज हुए, ज्यादा नहीं हुए। देखें क्रम देखें तो ये 7.8 मिलियन का लास्ट वीक में वॉल्यूम जनरेट हुआ था, इस वीक में 2.8, इतना ज्यादा नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग आई है ऑब्वियसली, थोड़ी सी आई है, हो सकता है थोड़ी सी और नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी और प्रॉफिट टेकिंग आए। इस तरह मैंने आपको बताया कि लोगों को 50% इससे ज्यादा यहाँ पे मार्जिन मिला है, तो उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है। डेली पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं इसका, डेली पे भी देखें अब यहाँ पे सपोर्ट मिलना शुरू हो गई 53 के अराउंड, हो सकता है यहाँ पर भी आके जाए 52, यहाँ वीक बन जाए, फिर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट ये स्टॉक दिखा सकता है। और डेली पे देखें दो दफा ये डबल जो है डबल टॉप बनता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद दूसरे जो दूसरे दिन बन जाता है दूसरी कैंडल पे बन जाता है, तो इसे हम ट्विजर टॉप बोलते हैं। तो ट्विजर टॉप में यही है कि इसका मतलब यही कि दो दफा रिजेक्शन आई है कि फिर इसके बाद जो है ये मार्केट या स्टॉक जो है वो नीचे आता है और कहीं ना कहीं इन एरियाज में सपोर्ट लेके वापिस ऊपर जाता है। डेली पे RSI देख लें, अब ये देखें डेली पे ये यहाँ पे 82 पे चला गया था, ओवरबॉट जोन पे चला गया था, तब ये थोड़ा कूल डाउन होगा नीचे आके कहीं और यहाँ पे सपोर्ट लेगा कहीं ना कहीं। अच्छा डेली पे अगर हम देख रहे हैं, अगर आ गए तो डेली पे 200 जो है MA इसको हम देख लेते हैं, देखें MA 200 वीकली पे 50, ये तकरीबन बराबर बराबर ही आ रहा है 44 45 के दरमियान आ रहा है, तो इसको आप जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ट्रेंड लाइन साथ साथ हम ये भी इसको भी देख लें। ट्रेंड लाइन अगर हम देखें आप इसको प्लॉट करके देखें यहां से, अब आप देखो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही थी और इसी एरिया पे जो है रिजेक्शन भी नजर आई है हमें। देखें ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ पे थी, ठीक है, और ये समझे इसको रीटेस्ट किया था, तीन दफा किया था, 1 जुलाई 2022, 1 अगस्त 2022, फिर 1 सितंबर, दो तीन महीने लगातार रीटेस्ट किया लेकिन फेल हुआ, और अभी तक ये लेवल तो रीटेस्ट हो गया है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, लेकिन ट्रेंड लाइन अभी तक इसकी रीटेस्ट नहीं हुई, तो आने वाले महीने में ये लेवल जो है रीटेस्ट 71 का एरिया एक्सपोज्ड है, ये मैं आपको बता दूं सूनर और लेटर ये एक्सपोज है, तो ये रीटेस्ट होगा आने वाले दिनों में ये वाला लेवल, ठीक है। तो एक ये टारगेट आप रख सकते हैं, टारगेट प्राइस TP लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, एक ये टारगेट प्राइस होगा और अगला टारगेट जो मैंने आपको बता दिया फिर 97 से लेके 102 तक होगा। दूसरा स्टॉक काफी जैसे वैसे उसमें हलचल है, उसकी बहुत न्यूज है, PRL पाकिस्तान रिफाइनरी। अच्छा पाकिस्तान रिफाइनरी का भी इसके देखें काफी, मैं मंथली पे इसको बता देता हूं, मैं देखें ये यहाँ पे पहले अर्निंग आई माइनस में, ठीक है 2020 में, फिर इसके बाद जो है 49 की अर्निंग आ गई, फिर इसके बाद जो है मैं ईयरली बता रहा हूँ आपको,
14 पैसे की अर्निंग आई, फिर 1 रुपए की अर्निंग आई, फिर 1 रुपए 52 पैसे की अर्निंग आई, फिर 60 पैसे माइनस हो गए। मतलब इस तरह से इसकी फ्लक्चुएशन आती रहती है। फिर देखिए 8 रुपए 60 पैसे ईयरली अर्निंग आई, लेकिन देखे ना जब 8 रुपए 60 पैसे तो कोई डिविडेंड नहीं दिया, कुछ बोनस नहीं दिया, यहाँ से रिजेक्शन 2 रुपए 43 पैसे पे रिजेक्शन विटनेस की। फिर 19 रुपए की आई, कोई ऐसी बात है 19 रुपए में तो ये स्टॉक तो 30 रुपए चला जाना चाहिए था। तो इसके इश्यूज हैं कुछ, वो ये है कि इनके डेट है। मैंने आपको पहले बताया था होल्डिंग जो है इसकी 69% के अराउंड पीओसओ के पास है, और पीओसओ का आपको पता है कि स्पेशली पीआईए और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो ये इनको लैंड करता है पेट्रोल वगैरह, तो ये इनको पैसे जो इनको मिलते नहीं है इनकी इन इदारों की तरफ से, स्पेशली जो पीआईए का भी आजकल काफी जिक्र है, लेकिन अभी पैसे रिलीज होना शुरू हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है ये इसी की सब्सिडियरी है पीआरएल पीएसओ की, तो पीएसओ इसी से पेट्रोल लेते हैं, तो जब उसको फेस करना पड़ता है जो कैश फ्लो जो है तो इसका अफेक्ट जो है ये पीआरएल पे ही पड़ता है, क्योंकि पीआरएल को वो भी पैसे इतने नहीं दे पाता पीएसओ। तो इसकी वजह से इसकी अर्निंग में जो है उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा फर्क से आता है। अभी भी इसकी अर्निंग देखें फिर 7 रुपए आई है ईयरली अर्निंग, 2 रुपए 90 पैसे थी, फिर इस जो है ये नवंबर के महीने अक्टूबर के महीने में इसकी अर्निंग जो है इस साल जो है ईयरली अर्निंग 7 रुपए हो गई है। और इसकी कुछ न्यूज भी है ग्रीन फील्ड के हवाले से कि भाई ये जिस तरह से पहले भी गवर्नमेंट ने बोला था कि रिफाइनरी पॉलिसी में कि ये अपना प्लांट जो है उसको मॉडिफाई करें और ग्रीन फील्ड की तरफ आए जो जिसपे फर्नेस ऑयल बहुत कम बनता है, तो इसकी तरफ भी इन्होंने चाइना से रुजू किया हुआ है, चाइना शायद इन्वेस्टमेंट करे इसमें। बहरहाल ये अभी तक न्यूज की हद तक है। तो अगर हम मंथली पे नजर डालें यहाँ पे तो अच्छा, इसको भी मैंने इसलिए चूज किया इसके साथ कि ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी आपको बताई थी वो यहाँ पे भी अगर हम प्लॉट करके देखें तो सेम जो आईएसएल का बन रहा है वो इसी का ही एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये एरिया जो 1835 जो एरिया है, देखें ये एमए 200 लगा हुआ, इसको मैं मंथली पे 50 कर देता हूं, ठीक है। तो ये एरिया जो है इसने ये कर लिया है, ब्रेक कर दिया ये एरिया। मैं यहाँ पे ये ग्रीन लाइन भी जो है ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है 1680 का, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 1681 1680 का। तो ये यहाँ पे जो है बाय बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ये मंथली का चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी तो खैर 1835 की प्राइस है, हो सकता है कि ये इसको रिटेस्ट करे, ठीक है। तो अभी अभी हम देखें करंट सिनेरियो में, देखें एक कैंडल ये बनी छोटी वाली, फिर अगेन ये बहुत अच्छे वॉल्यूम से बुलिश कैंडल बनी है, तो ये एरिया है और हो सकता है कि ये 1584 भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, वो देखना पड़ेगा हालात के हिसाब से। लेकिन अभी फिलहाल ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक, क्योंकि इसकी न्यूज काफी जो है इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये एरियाज में आपको बता रहा हूँ मंथली के हिसाब से। तो मंथली के हिसाब से इतनी फ्लक्चुएशन कोई मसला नहीं है, इतनी फ्लक्चुएशन आती है मंथली के हिसाब से। सो अभी आज जैसे 1835 चल रहा है तो 1681 1590 ये फ्लक्चुएशन आ सकती है, यहाँ पे ये बाइंग बनती है, एरिया ऑफ वैल्यू है मंथली पे, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दूं तो ये अभी आने वाले ये एक महीना पूरा हो गया, आने वाले महीने में ये वाला लेवल 21 रुपए ये लेवल इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो हो सकता है अगर ये पहले आता है इधर, पहले आके इधर जाएगा तो शायद ये भी ब्रेक कर जाए, लेकिन अभी जाता है तो फिर यहाँ से रिजेक्शन विटनेस हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये कंटिन्यूटी रहती है इसकी 1835 से, फिर जाता है 2140 तक जाता है अगर ये वाला एरिया। ये टारगेट अभी फिलहाल टारगेट प्राइस हमारा ये है, इसको हमने सेट किया हुआ इधर, ये टारगेट प्राइस 21 रुपए 40 पैसे 21 रुपए 20 पैसे 21 रुपए से ऊपर जो है ये टारगेट प्राइस है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया पे ये इसको रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि देखें ये 1 नवंबर 2022 और 3 अक्टूबर 2022 अब तकरीबन एक साल हो गया ये रेजिस्टेंस एरिया अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो ये इसको रिटेस्ट कर सकता है आने वाले दोनों में। इवन ये वाला एरिया जो है इसको भी रिटेस्ट कर सकता है 24 रुपए 62 पैसे, ये भी एक एरिया है जिसको ये रिटेस्ट कर सकता है, 2456 है 2462 है 60 पर, ये सब एरियाज हैं जो रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे रिजेक्शन भी विटनेस कर सकते हैं। और इवन अगर कोई अच्छी न्यूज आए तो ये अपना चैनल टॉप जो है यहाँ पर भी 29 रुपए 90 पैसे ये भी दिखा सकता है, यहाँ से रिजेक्शन बहुत बढ़िया आई थी पहले भी और अभी भी कुछ आ सकती है 29 रुपए 82 पैसे पे।
तो मंथली पे देखा जाए तो ये मुझे स्टॉक ऊपर ही जाता हुआ लग रहा है। अभी कोई मुझे नहीं लग रहा कि ये शायद नीचे आए, आए भी तो थोड़ा बहुत डेली पे या पहले भी इसने 18 रुपए, मैं बता देता हूँ वीकली पे भी देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं, देखें वीकली, अब ये डोजी बन गया है यहाँ पे, तो अब इसके ऊपर देखें वीकली पे अगर कोई कैंडल बनती है ऊपर बुलिश कैंडल, तो ये इसको तोड़ता हुआ ऊपर चला जाएगा 24-56 और इवन 29 रुपए तक भी जा सकता है। डेली पे एक नजर डाल लें, देखें डेली पे यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन नहीं देखी है, प्रॉफिट टेकिंग देखी 1878 पे, ठीक है ना। ये मैंने सोशल मीडिया पे भी कहा था 1860 1878 ये बड़े, इसको मैं ये दे देता हूँ, ये वाला एरिया जो है 1881 1878 इसके ऊपर जो है अगर कोई कैंडल बनती है तो ये 21 रुपए 40 पैसे आपको दिखा देगा, और अभी ये लेवल जो है 17 रुपए 50 पैसे ये भी रिटेस्ट हो सकता है दोबारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस सेक्शन। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके बता देता हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी यहाँ इसकी वजह ये है कि यहाँ पे रिजेक्शन आई थी 10th of August 2023 1800 1756 पे, ठीक है ना। इसके बाद जो ये लेवल रिट्रेस नहीं हुआ, लेकिन अभी जो ब्रेकआउट जो मिला है वो छोटे 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 डोजिस की शक्ल में कह सकते हैं, या कैंडल भी एक छोटी सी कह सकते हैं, लेकिन अभी कोई यहां से कोई बड़ी कैंडल हुई नहीं है, फॉर्म नहीं हुई, यहाँ पे जो है विक बनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1756 से यहाँ पे आके कोई जो है ना बुलिश कैंडल फिर यहाँ बने तो फिर ये अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन अभी भी चांस है, क्योंकि देखें ये यहाँ पे आया, यहाँ पे हो सकता है या साइडवेज हो और यहाँ पे ये अपसाइड, तो दोनों साइड पे चांसेस हैं अब, लेकिन जाना इसने ऊपर ही है ये बता दूं मैं आपको, 21 रुपए 40 पैसे इसने हर सूरत करना है, वो चाहे पहले नीचे आए या बाद में नीचे आए टच करके, जाना इसने 21 रुपए 40 पैसे जरूर है इंशाल्लाह, तो ये इसको जरूर रिटेस्ट करेगा, और 24 रुपए 56 पैसे भी हाई वोलेटिलिटी आ जाएगी तो 24 रुपए 56 पैसे भी रिटेस्ट कर सकता है। अच्छा, तीसरा स्टॉक भी इसी हवाले से जो सेम सिनेरियो बन रहा है, ट्रीट मैंने लिया, इसकी भी मेरे पास काफी रिक्वेस्ट थी, इसमें भी वॉलेटिलिटी जब से राइट आया था, ये यहाँ पे गया था डेली पे बता दूं, ये यहाँ पे गया था, इसने राइट इशू किए थे ये 107%, तो फिर ये वापस इसने ये बॉटम किया था ये, और कई दफा इस बॉटम थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये कई दफा बॉटम रिटेस किया था। अच्छा, पहले मंथली पे देख लेते इसको, मैंने डेली पे थोड़ा सा चल रहा था कंटिन्यूशन में तो मैंने बता दिया आपको, तो मंथली में भी आपको बता दूं इस वक्त जो है ये अर्निंग जो है ईयरली 4.00, मतलब अभी पैसे में भी नहीं है, कुछ 0.00 कुछ समथिंग है, और ये यहाँ पे देखें 53% है तो यहाँ ड्रॉप हो गई है। अच्छा, अब आप ये वीकली मंथली पे देखें, यहाँ पे इसने कई दफा आपने आपको रिटेस्ट किया है, यहाँ पे अगर देखें तो ये एरिया बनता है 2 जनवरी 2023, 1 फरवरी 2023, ये काफी रिटेस्ट हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी ये किया, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और 50 मंथली पे ये 26 रुपए 5 पैसे, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब ये इसकी नेक लाइन सपोर्ट ब्रीच होगी, यहां से ब्रेकआउट मिलेगा 21 रुपए 47 पैसे का, इसको अगर ये मेंटेन करेगा तो फिर ये वाला लेवल वही मैंने आपको तो मंथली पे ये ब्रेकआउट उसका फिर इंशाल्लाह आनकरीब मिल जाएगा ये वाले एरिया का, फिर नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ टारगेट प्राइस, ये टारगेट प्राइस हो गया। अच्छा, अभी इस वक्त जो है लेवल ये वाला बहुत अच्छा नजर आ रहा है 18 रुपए 80 पैसे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर ये लेवल ये डेली के हिसाब से बता रहा हूँ, ये बल्कि ये ले ले 18 रुपए 25 पैसे, तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं फॉर 2141 एंड 2671, ये एरिया जो है ब्रीच होता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ, इसी की ट्रेंड लाइन देखिए, सेम वही पोजीशन आ रही है जो आईएसएल की है, जो पीआरएल की है, जो और ये ट्रीट की भी इसी तरह की है, ठीक है, इसको ले लें, ठीक है, आप सिंक्राइजेशन देखें यहां पर इस तकरीबन वही 20 रुपए 11 पैसे से लेके 1 रुपए 40 पैसे तक ये इस एरिया को रिटेस्ट कर सकता है, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये भी आपको लेवल बता दूंगा, नेक्स्ट मंथ में जो है ये आने वाले दिनों में ये पहले भी ये 20 रुपए जैसे आपको बताया ना ये वाला एरिया प्राइस सेक्शन के हिसाब से, और इसकी सिंक्रोनाइजेशन देखें ट्रेंड लाइन की,
तो 20 रुपए 17 पैसे, 21 रुपए 40 पैसे, फिर इसके पास 26 रुपए 17 पैसे, और फिर ये अगर यहाँ से इसको हैवीली मतलब हैवी वॉल्यूम के साथ अच्छी बड़ी कैंडल के साथ ये इसको मेंटेन करता है और ऊपर के सेट पे अपना सफर जारी रखता है, तो ये चैनल टॉप 63 का वापस जो है ये रिटेस्ट कर सकता है। यहाँ पर भी मैं बना दूं एक 64 का इसने हाई किया था ना, ये इसको दोबारा रिटेस्ट कर सकता है। बीच में जो हर्डल आएंगी जहां पे रिजेक्शन हमने विटनेस की है वो ये एक आएगी बीच में हर्डल, ये वाली, ये हम विटनेस कर सकते हैं हर्डल 35 रुपए, ठीक है, एक ही हर्डल जहां रिजेक्शन हमने बाद में देखी थी, ये वाली 29.50, 35.50, फिर इसके बाद जो है ये वाले हर्डल हमने देखी थी 44 रुपए, ये सारे लेवल जो हमारे पास आ सकते हैं एज ए हर्डल बीच में आ सकते हैं ये वाले रास्ते में हमारे, जिसे कहते हैं ना उर्दू में रोड़े, तो ये रोड़े हैं बीच में 64 के बीच में सारे रोड़े हैं। अगर ये पूरे क्रॉस कर गया तो 64 को ये स्टॉक रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अपनी स्ट्रेंथ गेन करें क्योंकि यहाँ काफी इसने महीनों में एक्यूमुलेट किया है और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, ये तो बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया यहाँ पे इसने इसको मेंटेन किया ये वाला एरिया जो है, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है ये वाला एरिया। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ये वापस जो है 21 रुपए 29 रुपए 50 पैसे 35 50 रुपए रिटेस होते हुए नजर आ रहा है। अगर ये 21-26 रुपए क्रॉस कर दिया इसने तो ये आने वाले दिनों इंशाल्लाह 44 रुपए और 64 रुपए भी दिखा सकता है। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत बड़ा जिसको मैंने कहा था पैनी स्टॉक में बहुत कम मैं ले ली, तो मैंने इसको नोटिस किया है, बहुत कम स्टॉक को नोटिस करता हूँ, तो ये FFL को मैंने नोटिस किया काफी पर्सनली भी। तो FFL भी अगर मंथली पे देखे ना तो देखे ऐसा, अभी ईयरली अर्निंग देखे इसके तो अभी भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, 0.5 पैसे माइनस है ऑब्वियसली। क्वार्टरली अर्निंग थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, यहाँ 7 पैसे माइनस है ईयरली अर्निंग, यहाँ 7 पैसे, यहाँ पे 1.37 रुपए थी 2 जनवरी 2023 को, इसके बाद इसने अपनी इंप्रूवमेंट दिखाई, उसकी वजह मैंने आपको सोशल मीडिया भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था। अच्छा, जो मेरे काफी पूछ रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप आप हमारे बताएं, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो व्हाट्सएप नंबर में आप मुझसे क्वेरी किसी भी हवाले से ले ले तो मैं फिर अगर हो सका तो आपको ग्रुप में भी शामिल कर लूंगा और उसके बारे में बता भी दूंगा सोशल, वैसे मैं यहाँ पर भी डिस्कस करता रहता हूँ, आप मेरी वीडियो देख लिया करें फुल तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल अभी इस वक्त देखें इसका करंट सिनेरियो जो है, इसको मैं क्लियर कर दूं, ये वाला एरिया ब्रेकआउट एरिया है और ये भी उसी तरह अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है टू रीटेस्ट 1050, अराउंड 1050, ये 1040 समझ लें, 1050 समझ लें, ये वाला एरिया जो है, बल्कि इसको हम प्राइस एक्शन से ले लें, ये वाला एरिया 1021, ठीक है, तो ये हो सकता है आने वाले दिनों में अपने आप को रिटेस्ट करें यहां से, और एक ये वाला एरिया जो है मंथली पे जहां से हमने रिजेक्शन विटनेस की थी ये वाला एरिया, तो 19 रुपए 28 पैसे 10 रुपए 21 पैसे ये रिजेक्शन वाले एरियाज हैं, ये टारगेट हो सकता है, पॉसिबल टारगेट है अगर यहां से कोई बुलिश कैंडल बनती है इसके ऊपर, क्योंकि ये भी अभी देखें मंथली पे इसने डोजी बनाया है तो इसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। RSI इसका भी ज्यादा इतना हाई नहीं है, लोअर साइड पे है और ये अपर स्पिनिंग टॉप बना रहा है इवनिंग स्टार का, दैट मींस कि हो सकता है नीचे भी आई है इंट्राडे में, तो अगर इंट्राडे में नीचे आता जैसे 6 रुपए 28 पैसे तक भी गुंजाइश है इसमें, और इवन 5 रुपए 80 पैसे 90 पैसे यहां पर भी गुंजाइश बनती है, वो मैं आपके साथ वीकली चार्ट शेयर करूंगा तो बता देता हूँ, ये मैं वीकली चार्ट शेयर कर लेता हूँ इसका। अच्छा, वीकली पे देखें इसने 50 क्रॉस कर लिया है, तो ये वाला लेवल जो है देखें 5 रुपए 80 पैसे मरन, तो ये देखेंगे वीकली पे यहाँ पे ये सपोर्ट यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ जरूर बाय करना चाहिए, ये वाला एरिया जो है 5 रुपए 82 पैसे 5 रुपए 80 पैसे 5 रुपए 90 पैसे, ये कहीं पर भी यहाँ पे ये मैंने बताया ना ये वाला एरिया जो है इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ दोनों को, ये बहुत अच्छे सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे आपने बाय जरूर करना है, ठीक है। तो अभी वीकली पे देखें तो ये दो दफा रिजेक्शन आई इस एरिया पे 6 रुपए 90 पैसे पे और क्लोजिंग 6 रुपए 70 पैसे पे आई है। अच्छा, यहाँ पे देखें बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है 70 पैसे पे,
6 रुपए 70 पैसे से लेके यहाँ पे ये, बल्कि यहाँ से ले ले 6 रुपए 57 पैसे से लेके 7 रुपए 20 पैसे तक जो है रिजेक्शन आई है, इसको मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, उसकी वजह ये कि नीचे इतना लो आया था तो इसमें यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हमने विटनेस की है। 5 रुपए 51 पैसे आया था तो ऑब्वियसली यहाँ से तकरीबन 1.5-2 रुपए मिला, 1.5-2 रुपए मिले, तो यहाँ पे लोगों ने अपने प्रॉफिट टेकिंग की है और अच्छे वॉल्यूम देखें यहाँ पे अच्छे बने हायर साइड पे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ऑल दो अगर देखें तो यहाँ पे ये बेरिश जैसे कहते हैं ना, सेलिंग जैसे हम कहते हैं, ये बेरिश सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे बेरिश डोजी बना हुआ है तो हो सकता है नीचे आए कूल डाउन होने के लिए। RSI डेली वीकली पे देख ले 50 से इतना कोई हाई नहीं था लेकिन थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में था। मंथली पे भी चले नजर डाल लेते हैं, मंथली 43 था, इतना ज्यादा नहीं था। डेली पे देख लेते हैं कि डेली पे कितना गया था, डेली पे 62, 71, 73 तक गया था। ये 70 का एरिया जो होता है ना, 70, 80 ये सब ओवरबोर्ड जोन होता है, तो ये ओवरबोर्ड जोन में आया है। ठीक है, और अभी इसमें अगर हम MA 200 प्लॉट करके देखें डेली पे तो ये अप ट्रेंड में। अब देखिए सिंक्रोनाइजेशन देखें आप, वीकली की 50 की और डेली की 200 की, देखें यही एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, ये 90, 80 ये वाला एरिया जो है सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में जब तक देखें ना, यहाँ पर भी कई दफा यहाँ पे भी इसको डिच किया, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, डोजी बना, फिर इसको क्रॉस कर दिया, ये फिर अपर साइड मूवमेंट अच्छी खासी रैली बनती हुई हमने यहाँ से विटनेस की है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देख लेते हैं। यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, एक वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, आप जिनकी जो भी रिक्वेस्ट थी स्टॉक की वो उसके हिसाब से वो इसको देख सकते हैं स्किप करके। अब ट्रेंड लाइन पे देखें तो ये सपोर्ट एरिया ही है, ये वाला देखें आप विक बनी, ये वाला एरिया सपोर्ट डेली पे, मैं आपको बता रहा हूं डेली पे ये सपोर्ट एरिया 61 का एरिया है। इसको अगर ब्रीच करता है तो फिर अगेन ये फिर ये दोबारा रिटेस्ट करता है, ये एक तो ये वाला एरिया बीच में आएगा 6.22 का। ठीक है, 6.22 है, फिर इसके पास 6.12 है, 6.11, 6.12, इसके बाद जो है 5.80 का एरिया, 5.90, 5.80 का एरिया भी रिटेस्ट कर सकते, तो यहाँ बाय कर सकते हैं आप। तो जरूरी नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, क्योंकि डेली कई दफा ऐसा हुआ है कि ब्रेक करके डिच करके वापस ऊपर जाता है ये, तो कोई भी स्टॉक हो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ये अगर किसी को लॉन्ग टर्म करना हो तो यहाँ इन एरियाज में एक्यूमुलेशन 6 रुपए 60 पैसे 70 50 पैसे से एक्यूमुलेट करे, 6 रुपए तक भी और 5 रुपए 90 पैसे तक भी एक्यूमुलेट करके रख ले, आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके लॉसेस स्पेशली फाइनेंशियल लॉसेस जो है इसके वो थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। सेल्स तो हमेशा से मैं इसको देखता रहा हूँ कि सेल्स तो बहुत इंक्रीज होती है लेकिन फाइनेंशियल लॉसेस जो इसको मार देते हैं। तो अभी अगर इसकी अगर नेक्स्ट अच्छी आती है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, फाइनेंशियल लॉसेस कम होते हैं तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।